मजेदार भाई, फाइनली रीच। तो ये है एक जगह जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पे एक मैच चल रहा है आई थिंक डोमेस्टिक टीम्स में, और बहुत सही व्यू है यहाँ से यार, ये देखो पूरा स्टेडियम का व्यू यहाँ से। दिस इज ऑसम मैन, सो रिफ्रेशिंग गाइस, फुल ऑफ चीज यार, सही है ना। रोहित की बातें सुन के लगा है कि वो नॉनवेज बहुत एंजॉय कर रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए वेज ऑर्डर किया है। तो टेस्ट करते हैं। ये नॉन वेज है? ये वेज है। ये नॉन वेज है? What's up beautiful people, hope you're having a great time, welcome to my new vlog। और मैं क्लोडगंज धर्मशाला ट्रिप का आज हमारा आखिरी दिन है, और अभी आफ्टरनून है और हम लोग आए हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम। सो वील गो इन साइड एंड वील चेक दिस प्लेस आउट। दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम ये वाला स्टेडियम है। पहले तो पहले आया क्या? ना, फर्स्ट टाइम। किसी भी स्टेडियम में पहले गया क्या? नॉट रियली, या तो ना या नहीं, यस होता है। आधा आधा, पार्शियली। मतलब बाहर से हो गया घर तक मैच खत्म हो गया। ओके, तो ये इनकी एंट्रेंस है। सो यहाँ पे एक मैच चल रहा है आई थिंक डोमेस्टिक टीम्स में, और बहुत सही व्यू है यहाँ से यार, ये देखो पूरा स्टेडियम का व्यू यहाँ से। अमेजिंग मैन। So we are at the Dharamshala Cricket Stadium. This is the international stadium, one of the highest stadiums in the world. And this stadium has also hosted the few of the IPL matches also. And test match bhi yahan pe ho chuka, India versus England. And as you can see, a lot of people are coming in. Maybe they are supporting some team, I don't know, they all are wearing orange color hats. और वहाँ पे एक domestic match भी चल रहा है, और मज़ा आ रहा है देख के थोड़ा सा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर international match होता तो ये जगह पूरी चकाचक होती, भरी हुई होती, and would have been too much fun here. तो इसके बाद यहाँ से हम will move on, we'll have some lunch.
इट्स लंच टाइम और हम लोग आए हैं एक बहुत फेमस जगह पे. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स सजेस्टेड मी दिस प्लेस. दिस इज येलो लामा. ये है कोतवाली बाजार में धर्मशाला में. और फूड इज हेयर. पहले मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ. ये बहुत मज़े के हैं. बेक्ड चीज चिकन मोमोज. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दीज बेक्ड चीज चिकन मोमोज. एक स्टफिंग और एक टेस्ट दोनों बढ़िया हो जाए ना तो मजा आया था. इट्स बेसिकली सजेस्टेड बाय देम ओनली. दिस इज वेज पिज्जा. मैक्लोडगंज धर्मशाला आएंगे ना, प्राइजेस बड़े सही हैं यार. वेरी जेन्युइन प्राइजेस. और जो भी रेट्स वगैरह ना आपको डिस्प्ले में, ये देखो मैं डाल दिया. ठीक है, ये देखो सर. वेरी नाइस. जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, चेक आउट द व्यू एक बार. व्यू चेक करो, मजा आ जाएगा आपको व्यू देख के. रुक जा. है ना सही व्यू भाई साहब. इसे कहते हैं नज़ारा. ऐसी जगह, ऐसी सेटिंग और ऊपर से ऐसा खाना मिल जाए तो दिन बन जाता है यार. सो दिस इज अ ग्रीन एप्पल सोडा. एक बार इसे ट्राई करते हैं. वाओ मैन, दिस इज ऑसम मैन. सो रिफ्रेशिंग गाइस, अनबिलीवेबल मैन. फुल ऑफ चीज यार, सही है ना. एक्चुअली आई डोंट लाइक मोमोज वेरी मच, बट रोहित की बातें सुन के लगा कि वो नॉन वेज बहुत इंजॉय कर रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए वेज ऑर्डर किया है. तो टेस्ट करते हैं. ये नॉन वेज है? ये वेज है. ये नॉन वेज है? दिस इज वेजिटेरियन. वेज है, वेज है. खाने खाने. टेस्ट इज वेरी नाइस. रादर आई वुड से वेरी फ्लेवरफुल. सो वेरी गुड, वेरी नाइस. और गाइज ये देखो यार, दिस इज द शेफ स्पेशल चिकन विंग्स. भाई साहब क्या धुआं निकल रहा है यार. लुक्स अमेजिंग मैन. इसको ट्राई करते हैं. भाई गर्मा गर्म इंतहाई मज़ेदार है यार. कभी कभार मैं ऐसी चीज़ें खाता हूँ ना, मैं दो मिनट के लिए जरूर सोचता हूँ यार वेजिटेरियंस क्या चीज़ मिस कर रहे हैं यार. एनीवेज भाई बहुत मज़ेदार है यार. गाइस दीज चिकन लॉलीपॉप्स आर अमेजिंग मैन. लुक एट दिस, सब ख़त्म और ये लास्ट वाला. Amazing food, amazing place, amazing ambience. Everything is amazing. Zing zing. देखो, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ट्रिप. मेक श्योर आप सारी वीडियोज देखें, लाइक करें, कमेंट करें. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद गेट अनदर व्लॉग. और ये वाला भी cleaned up.